morning, student. Myself, Pradhuman, your mathematics teacher for class 8, 9, and 10 in Modern International School, Hiswa. Today, just I am going to start test paper 12 for class 8. In previous day, just I have solved exercise 12A and 12B. So, today, test paper 12. Your first question is 350 boxes can be placed in 25 cartons. 25 cartons. How many boxes can be placed in 16 cartons? क्या बोला गया है कि आपका 25 cartons में 350 boxes जो हैं रखे जा रहे हैं, है ना? तो 16 कार्टून में कितने आपको रखे जाएंगे, ये आपका क्वेश्चन है। ये तो सिंपल सा है। इस क्वेश्चन में क्या होगा कि आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन से आप इसको सॉल्व करोगे। तो इसमें क्या होता है कि द रेशियो ऑफ टू वेरिएबल क्वांटिटी इज ए कांस्टेंट टर्म। तो आपका ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, हो गया। तो ये वाला आपका हो गया एक्स वन, ये हो गया वाई वन, एक्स टू और ये हो गया वाई टू। आपको ये आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि एक्स वन बाई वाई वन और वाई वन डिवाइड बाई एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू डिवाइड बाई एक्स टू करेंगे, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर टू। द कॉस्ट ऑफ 140 टेनिस बॉल इज रुपीज 4900, है ना? फिर से वही आ गया 140, है ना? कितना टेनिस बॉल, तो 140 टेनिस बॉल। अब इसका प्राइस कितना है, 4900 है, है ना? तो अब सवाल क्या बोला है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ टू डोजन सच बॉल। टू डोजन मीन्स आपका 12, वन डोजन मीन्स 12, तो टू डोजन मीन्स 24। तो सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया आपको, है ना? 140 यानी कि 140 का 4900 है, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 आपका कितना है, डोजन है, टू डोजन, दैट मीन्स 24 हो गया। इसका क्या होगा, बाई टू आप यहाँ पे निकालोगे, है ना? इस तरह से हमें सॉल्व करना होता है x1 y1 x2 y2 करके। तो सिंपल सा रेशियो, डायरेक्ट रेशियो कर लो ना, ये है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये सवाल है। दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस, या दिस वन डिवाइड बाय दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, आप ऐसा भी कर सकते हो। तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री देखा जाए, द रेलवे फेयर ऑफ 61 किलोमीटर इज रुपीज 183, फाइंड द फेयर ऑफ 53 किलोमीटर। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, थ्री नंबर है ना, 61 का है 183, तो आपका 53 का क्या होगा। तो ये भी आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सवाल है, बनाओगे तो बन ही जाएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा ये सब। 61 का कितना है आपका, 61 किलोमीटर का 183 है, 183 है, तो आपका कितने का पूछा है जी, 53 का। तो निकाल लेना, यहाँ पे x करोगे, दिस डिवाइड बाय दिस इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस करोगे, बन जाएगा आराम से। नेक्स्ट देखा जाए फोर नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर देखा जाए, टेन पीपल्स कैन डिग ए ट्रेंच इन 6 डे। ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन का सवाल है जी, है ना? टेन पीपल कैन डिग ए ट्रेंच इन 6 डे, हाउ मेनी पीपल्स कैन डिग इट इन 4 डेज। चार दिन में जैसे 10 आदमी मिलकर के एक गड्ढे की जो कोई ट्रेंच बना हुआ सुरंग है उसे आपका कितना दिन में, तो 6 दिन में आपको खोद देते हैं। तो कहा है कि कितने पीपल्स जो हैं उसको 4 डे में कंप्लीट करेंगे। तो ये आपको इनवर्स प्रोपोर्शन का सवाल है, क्योंकि ये जो है इसको मैं बता देता हूं, अब चाहो तो सिंपल में जो वे है इनवर्स प्रोपोर्शन का, वो भी 10 पीपल्स कितना डे लिया जी, 4 डे, है ना? तो बताओ एक आदमी कितने दिन में, तो 4 × 10 ये हो गया ना प्रोडक्ट वाला केस। ये किस केस में आ गया, ये प्रोडक्ट वाला केस में हो गया। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट रहेगा,
सिंपल सा है, आपको अगर जो जानकारी लेना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है कि इनवर्स प्रोपोर्शन का है, तो आप थोड़ा सा ब्रेन आपको लगाना पड़ जाएगा इसमें। सोच लो यूनिटरी मेथड तो आप लोग लगा लेते हो, कहोगे कि 10 आदमी जो है 4 दिन में तैयार कर रहे हैं, तो कितना ये लगाएगा कि 1 पीपल्स जो है, एक मैन जो है कितना दिन में इसे करेगा, तो कितना कर देगा, 4/10। ये तो गलत हो जाएगा, ये तो एक भी दिन नहीं हुआ, ये तो हाफ डे भी नहीं हुआ, है ना। तो जरा सोचो कि 10 आदमी 4 दिन में कोई काम कर रहा है, तो एक आदमी एक भी दिन नहीं लेगा, पूरा कंप्लीट कर देगा, नहीं ना। उसे तो आपको सबके बराबर काम करना पड़ जाएगा, एक ही आदमी अगर जो काम करेगा तो सबके बराबर 10 के बराबर काम करना पड़ेगा, तो 40 दिन लगेगा ना। 10 आदमी 4 दिन में काम कर रहा है तो अकेला एक आदमी करेगा तो 40 दिन का समय लेगा, सब काम तो उसी को करना पड़ेगा। तो ये है आपका इनवर्स प्रोपोर्शन का। यहाँ पे जैसे ही प्रोडक्ट आया यूनिट में, एक के केस में जब प्रोडक्ट आया, तब समझ लो कि इनवर्स प्रोपोर्शन का सवाल है। अगर एक के लिए आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो और रेशियो आ रहा है, तब क्या कहोगे उसमें, ये तो आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सवाल है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या था, 140 टेनिस बॉल, 140 टेनिस बॉल का प्राइस कितना था, 4900 था, तो एक बॉल का कितना होगा, तो 4900/140 हो गया कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे कि जब आपका रेशियो आ गया तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, जब प्रोडक्ट बना तो इनवर्स प्रोपोर्शन का सवाल है, तो बन जाएगा ये भी। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का आपको फोर्थ नंबर जो था। फिफ्थ नंबर देखा जाए, 10 मेन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 28 डेज। सोच लो 30 मेन है, 30 आदमी 28 दिन में कंप्लीट कर रहा, तो एक आदमी कितना दिन में करेगा कंप्लीट, 28 × 30, क्योंकि एक आदमी करने जाएगा तो 300 के बराबर काम करना पड़ेगा, यानी कि 30 गुना उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, है ना। तो कितना दिन लग जाएगा, तो 28 × 30, ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, एक गार्सियन ऑफ 200 मेन है ना, हैड प्रोविजंस फॉर 45 डे, यानी कि 200 आदमी के लिए जो खाने पीने का जो सामान है वो 45 डेज के लिए है ना। आफ्टर 15 डेज 40 मोर मेन ज्वाइन द गार्सियन, है ना, गैरिसन, फाइंड द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिमेनिंग फूड विल लास्ट, है ना। कहा ये जा रहा है कि एक सेना है, गैरिसन मीन्स आपको सेना हो गया पब्लिक का भी, जिससे कहीं पे कुछ सैनिक वगैरह जाते तो झुंड रहता है, तो वही सेना का आपका कैंट हो गया। तो कहा गया है कि एक गैरिसन में 200 आदमी के लिए आपका 45 दिन का खाना है, 45 डेज का, आफ्टर 15 डेज यानी कि 15 दिन के बाद वहां पे 40 मोर मेन ज्वाइन द गैरिसन, यानी कि उस सेना को और 40 जो है 40 आदमी और ज्वाइन कर लेते हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिमेनिंग फूड विल लास्ट। और ये अच्छा क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखा जाए 200 आदमी के लिए कितने दिन का है जी, 45 डेज का है, है ना। 200 आदमी के लिए कितने दिन का है, 45 डेज का है, तो बताओ एक आदमी के लिए कितने डेज का हो गया, 45 और इनटू 200 हो गया, ये तो हो गया हमारा, यानी कि 9000 डे के लिए है, यानी कि आपका टोटल 9000 आपको पर्सन खा सकते हैं, कितने खा सकते हैं, 9000 व्यक्ति का यहाँ पे खाना है वो, बल्कि 200 आदमी मिल करके 45 दिन में खा जाए, या 300 आदमी मिल करके 30 दिन में खा जाए, 300 आदमी लगा दोगे तो 300 से डिवाइड करोगे 30 दिन में खत्म हो जाएगा, 20 आदमी लगाओगे तो 45 यानी कि 20 आदमी लगा दोगे तो आपको 450 दिन चल जाएगा, चलेगा ना बिल्कुल, यानी कि 450 दिन चल जाएगा 20 आदमी लगाओगे तो। तो इस तरह से हम लोग को 9000 आदमी का खाना वहां पे रखा हुआ है, वो 20 आदमी, वो 10 आदमी खाए 20 आदमी खाए। अब देखो 15 दिन तक के लिए कौन खाता है जी, यही खा लेता है, तो 15 दिन में कितने व्यक्ति का खाना समाप्त हो गया, 15 × 200 यानी कि 3000 पीपल्स का जो है
प्रिसीजन जो है, प्रोविजन जो है वो आपका समाप्त हो गया। कितने दिन में? तो 15 डेज में, जब 200 पीपल्स जब उसको खाना शुरू किया तो रिमेनिंग फूड कितना हो गया? रिमेनिंग प्रोविजन 9000 माइनस 3000 कितना आ गया जी? 6000। अब बताओ 6000 को फिनिश करने के लिए कितने पर्सन हैं? क्योंकि 15 दिन के बाद जो है आपका 40 पीपल्स और ज्वाइन कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ पीपल्स क्या हो जाएंगे? टोटल 200 प्लस 40। अब बताओ कितना दिन चलेगा? अब कितना दिन खाएंगे? यानी कि टोटल 6000 का है खाना, तो 240 व्यक्ति मिल करके खाएंगे, तो अब कितना दिन जाएगा? अगर 6000 आदमी खाएगा तो एक दिन में समाप्त हो जाएगा। 2000 आदमी खाना शुरू करेगा तो 3 दिन चलेगा। 3000 खाएगा तो 2 दिन। 1000 व्यक्ति अगर जो डेली खाता है तो 6 दिन चलेगा ना, क्योंकि 6000 आदमी का ही तो आप यहाँ पे प्रोविजंस रखा हुआ था। अब बताओ सिंपली डिवाइड करना है तो फॉर 240 पीपल्स के लिए क्या करोगे? फॉर 240 पीपल्स प्रोविजन लास्ट कितना दिन जाएगा जी? 6000 डिवाइड बाई 240, यहां से ये कैंसिल हो गया, यहां से आपका सॉल्व करोगे आ जाएगा कितना आएगा ये 24, जो भी हो आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये 25 डेज आएगा, आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 25 डेज चलेंगे, यानी कि अब कितने दिन चलेंगे तो 25 डेज और जाएंगे। समझ में आया? हमें करना क्या है कि जो सबसे पहला काम है हमारा, कितने दिन का, कितने व्यक्ति का प्रोविजन है, तो टोटल 9000 पर्सन का प्रोविजन हमारे यहाँ रखा हुआ है, तो उसी के लिए हमें क्या करना है, फूड को डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो बल्कि 200 पीपल्स खाएं या आपका कुछ और ऐड होकर के खाएं, तो टोटल कितना आना चाहिए हमें? 9000। तो चलो अब बाय मेथड हम लोग चलते हैं। देखो करना ये है, देखो टोटल कितना है, 200 है और यहां पर कितना 45 है, तो इनका जो आपका प्रोडक्ट होगा वो किसके किसके प्रोडक्ट के बराबर होगा? तो बताओ पहले 200 पीपल्स जो है कितना दिन उनका लास्ट किया जी? तो 15 दिन तक के उन्होंने किया, तो ये अब प्लस अब 40 और ऐड हो गया ना, तो यहां पर 240 और एक्स, ये दोनों का जो एडिशन होगा वो इसके बराबर होगा, वो इसके बराबर होगा। समझ गए? यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन का जब सवाल है तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमने बता दिया आपको, ये तो मैंने समझाया मेथड से जो तरीका था, अब यहाँ पे करने के लिए जाओगे तो टोटल तो हमारा ये तो है ही, प्रोडक्ट किसका, दो वेरिएबल क्वांटिटी का प्रोडक्ट टोटल ये है। अब फिर से हमें टोटल प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? 15 डेज तक 200 पीपल से आपको वहां पे रुके हुए थे, तो ये 15 × 200 हो गया। अब उसके बाद 40 और ऐड हो गए, तो 40 और ऐड हो गए, तो अब ये कितना दिन तक चलाएंगे? तो ये मान के चलो कि ये आ गए तो एक्स डे चला, तो टोटल नंबर ऑफ डे कितना जाएगा तो वो तो बाद में है। तो ये इनका प्रोविजन, ये लास्ट प्रोविजन और ये लास्ट प्रोविजन दोनों का जो सम होगा वो टोटल प्रोविजन के बराबर होगा। तो इस तरह से भी हम लोग बना सकते थे, है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा कर दो, 200 × 45 = 200 × 15 + 240 × x, ऐसे भी बना सकते थे हम लोग, है ना, लेकिन ये पहले समझना जरूरी था। तो आज के लिए इतना ही।